दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब पर। तो आज हम जा रहे हैं एक टेस्टी सी रेसिपी बनाने, बहुत ही लाजवाब और एकदम चटपटी। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक हमने अपने यहाँ पर कुकर ले लिया है, तो अपने गैस को जला देंगे और इसे गर्म होने देंगे। कुकर हमारा गर्म हो गया है, जिसमें अपना सरसों ऑयल डाल देंगे। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, जिसमें अपना जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ी देर चटकने देंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें खड़े मसाले में हमने यहाँ पर तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये थोड़ी सी दालचीनी और ये गुल मिर्च ले लिया, इन सभी को डाल देंगे। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। यहाँ पर हमने दो बड़े साइज के प्याज को काट लिया है, इसको डाल देंगे। और प्याज को गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। ये देखिए, ये प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें अपना डालेंगे आप कुछ अदरक की कलियाँ और ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हुए अदरक, इसको डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल देंगे। देखिए, इसको हमें अपना भून लिया, इसमें अपना सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले में हमने यहाँ पर ये हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च ले लिया है, इन सभी को इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को हमने यहाँ पर इसको पीस लिया है, आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला भुन चुका है, तब इसमें अपना काबुली चना डाल देंगे। और इस तरीके से आप ये जो काबुली चना का जो छोला होता है, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आपका जल्दी बन जाएगा, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। इसको हमने अपना डाल लिया है, अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसी तरह इसको हम एक मिनट तक भून लेंगे। एक मिनट हमारा हो गया है, जिसमें अपना पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और छोले मसाले। अगर आपके पास छोले मसाले नहीं है तो आप गरम मसाले भी डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। और हमें सिर्फ इसमें एक सीटी लगाना है, हाई फ्लेम पर। ये देखिए, इसको हमने अपना खोल लिया है, हो गया तो और ये देखिए इतना अच्छा हुआ है हमारा ये। इसमें अपना धनिया पत्ती डाल देंगे। और अगर वीडियो इस तरीके से जो बनाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।